इंडियन टाइम्स डेली में आपका फिर से स्वागत है और भारत की मुख्य 10 खबरें इस प्रकार हैं। जीएसटी काउंसिल ने रिटर्न दाखिल करने और टैक्स के भुगतान पर छोटे और मझोले व्यवसायों को राहत देने के लिए व्यापक बदलाव किए हैं। एक्सपोर्टर्स के लिए नियमों में ढील दी गई है और 2 दर्जन से ज्यादा वस्तुओं पर टैक्स दरों में कटौती हुई है। इनडायरेक्ट टैक्स रेजिम 3 महीने पहले शुरू हुआ था। सुप्रीम कोर्ट महात्मा गांधी की हत्या की जांच फिर से शुरू करवा सकता है। 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे द्वारा राष्ट्रीय राजधानी में गांधी को मारने के लगभग 7 दशकों के बाद ये कदम उठाया जा रहा है। याचिकाकर्ता द्वारा पेश की गई सामग्री की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट ने वरिष्ठ वकील अमरेंद्र सरन को नियुक्त किया है। पूर्व सीएम नारायण राणे सत्तारूढ़ बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए में शामिल होंगे। पिछले हफ्ते उन्होंने महाराष्ट्र स्वाभिमान पार्टी नाम से एक नए राजनीतिक संगठन का शुभारंभ किया था। उन्होंने कहा कि वो महाराष्ट्र से संबंधित प्रमुख मुद्दों तथा कोंकण के आगे के विकास के मुद्दों पर काम करेंगे। शुक्रवार की सुबह चीन सीमा के पास अरुणाचल प्रदेश के तवांग जिले में आईएएफ का एक हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें सवार सभी 7 लोग मारे गए। क्रैश के कारणों की जाँच के लिए एक कोर्ट ऑफ इंक्वायरी का गठन करने का आदेश दे दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट कोलिजियम ने सभी छोटे न्यायालयों और उच्च न्यायालयों के जजों की नियुक्ति, पदोन्नति और ट्रांसफर के लिए अपनी सभी सिफारिशों को पब्लिक डोमेन में रखने का फैसला किया है। अदालत की कार्रवाई में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए ये फैसला लिया जा रहा है। अवैध अप्रवासियों के बढ़ते प्रभाव को ध्यान में रखते हुए बीएसएफ ने भारत और बांग्लादेश सीमा पर 140 असुरक्षित स्थानों की पहचान की और दलालों की मदद से होने वाले रोहिंग्यों की घुसपैठ को रोकने के लिए एक अभियान शुरू किया। जेल में बंद एआईएडीएमके की नेता वीके शशिकला को चेन्नई में अपने बीमार पति एम नटराजन से मिलने के लिए 5 दिन की पैरोल दे दी गई है। पैरोल की अवधि के दौरान उन्हें सभी राजनीतिक गतिविधियों से दूर रहने का निर्देश दिया गया है। सीएम ई पलनीस्वामी की अध्यक्षता वाले एआईएडीएमके गुट ने चुनाव आयोग से निवेदन किया है कि 2 पत्तियों के चिन्ह और नाम पर लगे प्रतिबंध को तत्काल हटाया जाए। उन्होंने आयोग से इसे उनके दल को देने का आग्रह किया, जिसमें कहा गया कि पार्टी ने कुल्हाड़ी को दफन कर दिया और एकजुट हो गई है। राष्ट्र महिला आयोग ने सितंबर में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में हुई हिंसा के लिए पूर्व वाइस चांसलर को दोषी ठहराया है। यह कहा गया है कि अगर जीसी त्रिपाठी ने उन लड़कियों से मुलाकात की होती जो छेड़छाड़ के खिलाफ आंदोलन कर रही थी, तो हालात बेकाबू ना होते। संगीत के माहिर AR रहमान ने PM नरेंद्र मोदी की सरकार द्वारा की गई नोटबंदी के आधार पर द फ्लाइंग लोटस नाम की एक 19 मिनट के म्यूजिक पीस का उद्घाटन किया है, लेकिन उनका कहना है कि इस म्यूजिक पीस के जरिए वो कोई भी फैसला नहीं सुना रहे। हमारे साथ जुड़े रहें दोस्तों, हम कनाडा की महत्वपूर्ण खबरों के साथ जल्द लौटेंगे।